स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर नगर निगम में कचरा संग्रह करने वाली कंपनी के ड्राइवरों द्वारा वेतन न मिलने के विरोध में हड़ताल करते हुए, हड़ताल करने से शहर में कचरों का ढेर लगा हुआ है जिससे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा लोगों को सता रहा है। नगर निगम द्वारा कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने से कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया है। कांग्रेस पार्टी ने अब इसे मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतारा है। जबलपुर के 16 वार्डों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महापौर का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले 4 दिनों से वार्डों में कचरे का ढेर लगा हुआ है। कचरा गाड़ी के न आने से वार्डों में गंदगी फैल रही है। वहीं वार्डों में पेयजल की व्यवस्था न होने से लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम में भाजपा की सरकार, विधायक और सांसद भाजपा के प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार, इसके बावजूद भी निगम का हाल बेहाल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर शीघ्र कचरा उठाने और पेयजल की व्यवस्था नहीं की तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज जबलपुर के सभी 16 जोनों में महापौर का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ 4-5 दिन लगभग हो गए हैं कचरे गाड़ी की, अभी तक कोई किसी क्षेत्र से कचरा नहीं उठ रहा है। स्थिति ये है, लोगों को पीने का पानी नहीं है। विगत 2 माह से आज पार्षद इनके, विधायक इनके, महापौर इनके, मुख्यमंत्री इनके, उसके बाद भी क्षेत्रों में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस परिवार द्वारा हम लोगों ने 5-6 टैंकर चलाकर रांची क्षेत्रों में पानी की समस्या भी दूर किया है। पानी के गिरने के पहले जो सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी नगर निगम द्वारा, आज तक वो सफाई की व्यवस्था भी, लगभग 1 माह से बारिश का मौसम चालू हो गया लेकिन सफाई साफ, कई नालियाँ साफ नहीं हैं, कचड़े नहीं उठ रहे हैं, पीने को पानी नहीं है, रोडों का बुरा हाल है। जगह जगह अभी भी बारिश चालू होने के बाद भी सीवर लाइन के काम चल रहे हैं जो कि नगर निगम को बंद कराना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि लोगों से अनदेखी करके ये सीवर लाइन के जो काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसमें फंस रही हैं, बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है। इस विरोध में हम लोगों ने आज महापौर का मुर्दा, आज पुतला दलाया है। अगर इस पर 2-4 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पूरे जबलपुर में बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। सुधीर दुबे, प्रदेश सचिव। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।